हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से आ गई हूँ बातचीत की वीडियो लेके। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कोई तो होता नहीं है मेरे पास पूछने के लिए या बातचीत करने के लिए। तो आप ही लोग हो जिससे मैं बातें कर लेती हूँ, अपने दिल की बातें बता लेती हूँ, या कुछ मुझे पूछना होता है तो मैं पूछ लेती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मतलब मैंने आपको पता ही है, मैंने पिछले साल अपने बालों में वो करवाई थी, स्मूदनिंग कराई थी, हेयर स्मूदनिंग कराया था। तो अभी मेरे बाल ना ख़राब हो गए हैं, नीचे से ही दो मुँह भी हो गए हैं और बहुत हल्के हो गए हैं। देख रहे हैं, नीचे से बहुत ज़्यादा हल्के हो गए, दो मुँह हो रहे हैं और ऊपर से ख़राब हो गए हैं, क्योंकि मैंने ना टाइटली रबड़ लगा के रखती थी। अभी मैंने कराया था, एक साल से ज़्यादा हो गया है। जब पिछले साल सर्दियाँ शुरू होने वाली हुई थी, मतलब अक्टूबर में कराया था मैंने, तो तब मैंने कराया था। और उस टाइम मैं खुले ही रखती थी बाल, तो अच्छे लगते थे काफ़ी। लेकिन उस टाइम मतलब वाइट हेयर प्रॉब्लम तो मेरे को बहुत टाइम पहले से है, क्योंकि मतलब जुकाम उकाम होता है तो लोग बोलते हैं कि जुकाम की वजह से है। कुछ मेरी मम्मी को भी जल्दी वाइट हेयर हो गए थे, तो इसीलिए शायद मुझे भी हो रहे होंगे, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं ना कि जीन्स की वजह से भी होते हैं ऐसा। तो मुझे लगा उसकी वजह से भी होगा, तो मेरे बहुत ज़्यादा वाइट हेयर है। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ से बाल जहाँ पर रबड़ लगाते हैं वहाँ से दबे दबे हो गए हैं, जो नीचे से हेयर आ रहे हैं वो कर्ल आ रहे हैं वापस। तो मैं ये सोच रही थी कि इनको मैं थोड़े ठीक करा लेती हूँ और हेयर कलर करा लेती हूँ, क्योंकि मैं हेयर कलर खुद ही करती हूँ। वैसे हमेशा मैं कभी बाहर नहीं करवाया है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस बार मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे हेयर कलर करे हुए और टोटली हेयर मेरे ग्रे हो चुके हैं। मतलब जितने भी बाल हैं सर में, यहाँ आधा सर, मतलब आधे हेयर जो नीचे की लेंथ है, ये तो ब्लैक है, ब्लैक नहीं है, मेरे हेयर्स का कलर डार्क ब्राउन कलर है। तो और जो ऊपर की तरफ से है ना, जड़े हैं जहाँ से, वो मेरे हेयर बिल्कुल वाइट हो चुके हैं, तो ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। मैंने सोचा पहले मैं अपने आप लगा लेती थी कलर, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद अपने आप ना लगा पाऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर से कलर करा के देखती हूँ। तो मैंने अभी किसी से बात की है, तो आप लोग बताओ मुझे क्या मैं करवा लूँ हेयर कलर। और इन बालों के साथ मुझे शायद आप लास्ट बार ही देख रहे होंगे, अगर मेरे हस्बैंड टाइम से आ गए। आज मैंने उनको बोला था कि जल्दी आ जाना, तो फिर मैं चली जाऊँगी अपने हेयर्स को ठीक कराने के लिए, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मैं वहाँ पर वीडियो बना पाई तो आप लोगों के साथ ज़रूर अपने हेयर्स का वो शुरू कर मतलब दिखाऊँगी, कैसे हुआ है, क्या हुआ है और कैसे मेरे हेयर है, सब कुछ दिखाऊँगी। सच में आप देखोगे ना, वैसे भी आप देखते ही होंगे मेरी वीडियो में, ये देखिए मेरे बहुत ज़्यादा वाइट हेयर है। अभी मैं सर धोया था मैंने, देखिए बहुत ज़्यादा वाइट हेयर है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत वाइट हेयर है मेरे, बहुत ज़्यादा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप ठीक से देखोगे तो मैं दिखा नहीं पा रही, ये देखिए दिख रहे होंगे क्योंकि मुझे भी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाइट हेयर है मेरे। अभी ये पता नहीं ये कैसे हैं, ये मम्मी को जल्दी हो गए थे इसलिए हैं या किसी और रीज़न से हैं, पर मैं और पीछे तक ही हैं यहाँ तक। आगे तो हम अपने आप कलर चलो लगा लेंगे, लेकिन पीछे सर के कैसे लगाएंगे, तो मैंने सोचा इस बार मैं बाहर से करा के देखती हूँ कैसा मतलब रिज़ल्ट आता है, और जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पता नहीं मेरा डिसीजन ठीक है कि नहीं है ठीक, क्योंकि जब मैंने पहले हेयर अपने ठीक कराए थे, तो तब उससे पहले मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे। मतलब नीचे से आपको पता है जले जले से नहीं हो जाते, वो दो मुँह जले जले से हो जाते, वैसे हो गए थे तब। और मैंने ना बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाई थी सर में, जो हिना होती है ना हरी वाली मेहंदी, वो तो उसकी वजह से मेरे बाल ख़राब हो गए थे। उस जो पार्लर वाली मैडम थी, उन्होंने बोला था कि आपने हिना बहुत ज़्यादा लगाई है, आपके बालों पर कोटिंग हो चुकी है बहुत बुरी तरह। तो जब मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी, तो उन्होंने वो सब निकाला था और अंदर से वाइट हेयर निकले थे बहुत ज़्यादा। तो कलर तो मैंने नहीं कराया था, बस स्ट्रेट ही करा लिए थे, और फिर स्ट्रेट कराने के बाद फिर घर पे ही आके मैं मतलब खुद ही मैंने कलर वगैरह मैं हमेशा से खुद ही करती हूँ, हेयर कट भी खुद ही करती हूँ। हेयर कट भी कराने का सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि नीचे से तो बाल खराब हो रहे, ये तो कटेंगे कटेंगे, बाकी थोड़ा मैं अपना लुक भी चेंज करना चाहती हूँ। अब तो मैं मतलब करती नहीं हूँ हेयर कट वगैरह अब, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ और सर पे मतलब ठंड है तो कैप वगैरह ओढ़ लेती हूँ। लेकिन मुझे शौक है बहुत ज़्यादा बालों को मतलब अच्छे से रखने का, किस कोई और चीज़ हो या ना हो, लिपस्टिक रहनी चाहिए और आंखों में काजल, बिंदी और ये सब, इन सब चीज़ों का ब्लश वगैरह, ये सब फाउंडेशन का मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे लिपस्टिक पसंद है और काजल पसंद है, और सिंदूर तो हम औरतें लगाते ही हैं। और सिंदूर के बाद
बस मुझे हेयर्स का ज़्यादा शौक है, और आपको पता ही है मेरा फोरहेड बहुत बड़ा आया था, मैं इसको छुपाने के लिए हमेशा कटिंग करती रहती थी। पहले मैं हमेशा कटिंग करती थी, अपने आप ही कटिंग करती हूँ हमेशा से। सारे कट आते हैं मेरे को, स्टेप कट, यू शेप, वी शेप, लेयर कट, सारे कट आते हैं मुझे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मैं वो आपको मैं अपना फ़ोटो देखती हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं साइड में लगा दूंगी। मैंने हेयर कट करके रखती थी फोरहेड पे, बाल थोड़े से ऐसे साइड में होते हैं ना, बहुत सुंदर लगते थे, वो मेरे फेस पे सूट भी करता था। मैं फ़ोटो साइड में लगा दूंगी अगर वो फ़ोटो मुझे मिल गया तो। ठीक है, फिर आप बताइए मुझे कैसे लग रहा है। तो मैं ये सोचूं कि अभी देखिए फ्रंट के हेयर्स भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, पहले इतने इतने मतलब मैंने कटिंग कर दिए थे तो यहाँ पे पड़ते थे थोड़े, यहाँ पे ऐसे ऐसे फोरहेड से लेके ना ऐसे साइड में पड़ते थे, तो अभी ये बड़े हो गए बहुत ज़्यादा। मैंने काफ़ी टाइम से नहीं कराया, जब से मैंने हेयर वो कराए थे ना स्ट्रेट, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, तब से मैंने नहीं किया है बालों में कुछ भी, कोई भी हेयर कट। तो मैं सोची अब मैं जब वहीं पर जा रही हूँ तो ठीक से थोड़ा सा अपना हेयर कट करवाती हूँ, देखती हूँ कि कैसे कर कैसा लगता है हेयर कट वगैरह मेरा। तो जो भी डिटेल्स होगी या कुछ होगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारे लोग हैं दिल्ली के ही हैं जो मुझे मतलब फॉलो करते हैं मेरे चैनल पे, मुझे लाइक करते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँगी, अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी और एड्रेस वगैरह सब दूँगी कहाँ से कराया मैंने, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बताओ बताइएगा ज़रूर मैं कैसी लगूँगी, मतलब हेयर कट वगैरह। हेयर कलर तो मुझे कराना ही था, लेकिन ये बाल थोड़े यहाँ से ख़राब हो रखे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेती हूँ और मैं जाके वहाँ पे क्या होगा वो वहीं पे डिसीजन होगा, जो भी होगा, जो मेरा फाइनल डिसीजन होगा वहीं पे मैडम से बात करने के बाद ही होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी जो भी है। तो बस मुझे यही आप लोगों के साथ शेयर करना था, ये लुक शायद मैं आप मुझे आखिरी बार देख रहे हो इस लुक में, फिर मैं आपको दूसरे लुक में नजर आऊँगी सारे वीडियोज़ में, ये आखिरी बार आप मुझे देख रहे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक वीडियो बना लूँ और फिर नए लुक के साथ आप लोगों से मिलूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स और हैप्पी रहिएगा। बाय फ्रेंड्स।